उन्होंने उल्लेख किया इसका, कि इनका मूर्ति जाएगी और ये कविता बढ़ेगी। और इसी के लिए बहुत अच्छा लगा, इसी को पकड़कर थोड़ी एक बात कर देता हूँ। नरेश चंद्र जी को मैं भी सर पिछले 1.5-2 साल से ही जानता हूँ, और कभी कभी इनका फोन आ जाता है। ऐसे तो मोबाइल में आप सबको पता है मैजिक मैन चंद्रा इज लाइव, वो तो आ ही जाता है पूरे भारत में, मुझे लगता है सभी लोगों को ये नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन इन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ प्रसाद में, मैं गोवा से हूँ। मैं बोला हाँ, मुझे पता नहीं था इसका भव्य स्वरूप ऐसा होगा, लेकिन बाद में इनके साथ जुड़ गया और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आज यहाँ पर जैसे शिल्पा जी चेन्नई से आई है, मैं गोवा से आया हूँ, इसमें कोई मुझे पूर्व कल्पना ज़्यादा नहीं थी कि ऐसा कार्यक्रम है। मुझे इन्होंने एक 8-10 दिन पहले बोल दिया कि प्रसाद आपको आना है, बस इस विश्वास के साथ मैं आया था। मुझे कार्यक्रम का स्वरूप ट्रेन में पता चला जब इनके साथ मैं बात कर रहा था। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई नरेश चंद्र जी कि आपने पूरे भारत को जोड़ दिया है कविता के माध्यम से। और मैं ये गोवा वाला आदमी सीना तान कर कह सकता हूँ कि आज मेरा पहचान वाला कोई दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है और गाजियाबाद में भी है, ये इनकी बदौलत है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और इस उपक्रम को। दत्ता जी, भारत को नहीं पूरे विश्व को ही जोड़ दिया है। और उदयपुर से सुनीता जी सर कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ हाँ सर, बहुत ही प्यारे दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद बोर हो रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि जो लोग